हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेलकी नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। दिस इज़ फ्रॉम मिसेस ज्योति कुलकर्णी, युअर सब्जेक्ट टीचर ऑफ मराठी। मुलांनो, आज मी तुम्हाला इयत्ता 8वी ची संतवाणी 13 संतवाणी अ शिकवणार आहे, संत सेना महाराज। तर ह्या संतांनी काय लिहिलेलं आहे, काय सांगितलेलं आहे, संतांच्या सानिध्यात मिळणाऱ्यांनी आनंदाचे वर्णन अभंगामध्ये, यानी अगर आप संतों के सानिध्य यानी उनकी संगत में रहोगे तो आपको अच्छा ही होगा। तो आजी सोनियाचा दिवस दृष्टि देखी अले संतास, दिवा जीवा सुख ला झाले माझे माहेर भेटले, अवघा निरसला शीण देखता संत चरण, आजी दिवाळी दसरा सेना म्हणती आले घरा। आजी सोनियाचा दिवस दृष्टि देखिले संतास, यानी आज सोने का दिन है, जो मेरे दृष्टि यानी नजर में संत पड़े। जीवा सुख झाले माझे, ऐसे लगा कि मुझे मायका मिल गया, जब मैंने संत को मैं मिली, जो संत मेरे सामने आए, नज़र के सामने दृष्टिस पड़ने, नज़र के सामने आए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुझे मायका मिल गया। अवघा निरसला शीण देखता संत चरण, यानी जो पूरा टाइडनेस था, शीण यानी एकदम नर्वसनेस टाइडनेस, वो उनके संत के चरण देखते ही पूरा गया, एकदम मुझे फ्रेश लगा। आजी दिवाली दसरा सेना मणे आली गरा, आज ऐसे लग रहा है कि मेरी दिवाली भी आ जाए, दशहरा भी आ जाए, क्योंकि ये संत मेरे घर आए। छोटा सा संतवाणी है, इसका मतलब क्या है, जो संत लोग हैं वो हमारे लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनका तत्व ज्ञान वो भगवान के करीब रहते हैं, इसीलिए संत सेना महाराज बोलते हैं कि आज मुझे संत मिले हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मायका मिल गया, उनके चरण देखे तो मुझे एकदम से खुशी हो गई, और आज ही मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे घर आए, तो मेरी दिवाली भी यही है और दशहरा भी यही है। इसकी दूसरी संतवाणी है बच्चों, संत चोखा मेळा। उन्होंने संतांच्या सहवासात राहून मिळणाऱ्या आनंदाचे वर्णन प्रस्तुत आहे। उन्होंने भी वही कि उनके सहवास यानी उनके साथ रह के कितना अच्छा फीलिंग्स होता है, वो उन्होंने संत चोखा मोड़ा में बोला है। चंदनाचे संगे बोरिया बाबळी, हेळ की टाळ की चंदनाची, संतांची या संगे अभाविक जन तयाचे दर्शन तोची होती। संतांची या संगे बोरिया बाबळी, हेकळी टाकळी चंद, यानी अगर संत के बाजू बाद में रहेंगे तो उधर बोरी का काटा बाबरी का काटा रहेगा, लेकिन वो झाड़ चंदन जैसे ही लगेगा, ऐसे संत है। संतांची संगे अभाविक जन तयाचा दर्शने तेची होती, यानी उनके साथ रहेंगे तो अभाविक जन बहुत जन रहते हैं, तयाचा दर्शने तेची जन यानी उनके दर्शन से चित बोलते हैं ना पावन हो जाते हैं, और अभाविक यानी अभाविक यानी बहुत से जन उनके साथ चलते रहते, जैसे कि अभी कुंभ मेला चालू है, उधर भी संत बहुत रहेंगे, तो उनके साथ ही अपना नेचर भी अच्छा हो जाता है। चोखा मणे ऐसा परमार्थ साधावा, नाही तरी भाव वाहावा करा ऐसा। तो चोखा मणे संत चोखा मेला जो इन्होंने लिखा है, ऐसा परमार्थ यानी हम लोग स्वार्थ तो देखते हैं लेकिन थोड़ा परमार्थ भी देखना चाहिए, नाही तर भार वाहावा खरा कैसा। तो अगर दूसरे के ऊपर हम लोग भार डालेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा हमें परमार्थ भी देखना चाहिए, स्वार्थ देख के परमार्थ भी अपना देखना चाहिए, ऐसा ये संत चोखामळा संतवाणी में बोला गया है। इसका मतलब क्या बच्चों, कि संत अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे ही होंगे। ये छोटी सी संतवाणी थी, थैंक यू।